नमस्कार, मैं मीनू MS देव दिशा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि रात की बची हुई चपातियाँ यानी रोटियाँ और उससे रोटियों से और जो रात की बची हुई सब्जी है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो आजकल सब्जी खराब भी नहीं होती है। बाई चांस अगर कोई वर्किंग लेडी है या कोई काम कर रहा है या बच्चे हैं तो वो अगर फ्रिज में भी रख के उनको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, या बासी बचा हुआ है उसको हम फेंकने की जगह इस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने इसको सब्जी से इस चपाती का पराठा कैसे बनाना है, क्योंकि ये भी रात की रखी हुई है और ये चपाती भी रात की रखी हुई है। बस थोड़ी सी इसमें टाइटनेस इसलिए खुसखुसापन है क्योंकि ये मल्टीग्रेन की रोटी है, चपाती है, तो इसमें थोड़ा सा नहीं, गेहूं के जो आटे की चपाती होगी वो सॉफ्ट होगी तो वो आसानी से कट जाएगी, तो इसलिए मुझे इसकी पहले ऊपर की परत जो है वो नाइफ या चम्मच के मदद से इसको ऊपर की लेयर को ऊपर हटाना है। देखिएगा कैसे मैं लेयर हटाती हूँ धीरे धीरे से इसकी लेयर को, ये ऊपर की इसकी लेयर को धीरे धीरे से नाइफ के मदद से मुझे लेयर को हटाना है। देखिए ऐसे धीरे धीरे से ऊपर की लेयर, देखिए ये ऊपर की लेयर निकल आएगी। ये देखिए दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये लेयर निकल गई है। तो अब मुझे इसमें क्या फिल करना है, एक तो मैंने ये बताना है, ये तो चपाती का हो गया, ये रात की चपाती थी, अब ये सब्जी है रात की बची हुई थी, तो इसको मुझे अच्छा रूप देना है, यानी कि फ्रेश रूप देना है और थोड़ा इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाए, क्योंकि रात की हम लोगों ने जो टेस्ट की हुई होती वो चीज रिपीट करने का मन नहीं होता है, तो इसको मैंने टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अब आप देखना। अब मैंने थोड़ी सी सब्जी ली है जितनी आपको चपातियों में फिल करना है, और इसको आप अच्छे जो फ्रेश आटा है उसके अंदर भी चपाती रोटी सॉरी पराठा बना सकते हो उसका भी। तो मैंने खाली दो चपातियों को बनाना है, इसलिए देखिए दो चपातियों के भर के मैंने ये सब्जी ली है। इसको हमको धीरे धीरे से, सबसे पहले तो इसमें डालूंगी हल्का सा प्याज, प्याज जो है अपना फ्लेवर थोड़ा सा नयापन कर देगा उसमें सब्जी में, और कच्चा ही डालना है। थोड़ी सी आधी कटी हुई ग्रीन चिली और आधा इंच या एक इंच अदरक, और थोड़ा सा काला नमक, तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, और थोड़ी सी हरी धनिया। बस इसको लेके मैश करना हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों करना, क्योंकि इसका ऑयल और पानी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमने सुखाना नहीं है इसको, खाली इसका जो है टेस्ट चेंज करना है और नया लुक देना है इसमें। इसका बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये मेरे पास में जो थी सब्जी थी सूखी सेम आलू की थी, तो आप किसी भी सब्जी को इस तरह से अप्लाई कर सकती हो पराठे और बासी रोटी के अंदर, चपातियों के अंदर। तो मैंने इसको अच्छे से ऐसे मैश कर लिया है, ये देखिए बहुत बढ़िया महक आ रही है और बिल्कुल नया लुक हो गया। कोई भी नहीं बता सकता है कि ये रात की बची हुई सब्जी है, अपने घर वालों बच्चों को या हस्बैंड को भी देंगे इस तरह से बना के तो वो भी नहीं जान पाएंगे कि रात की सब्जी बची हुई है, उससे आपने पराठा बनाया, क्योंकि मैंने इसका लुक जो है बिल्कुल चेंज कर दिया है और इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब मुझे इसमें तवा को मैंने गरम कर रखा है, तो तवे पे थोड़ा सा पानी ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है मैंने मूंगफली का लिया है, आप चाहे तो देसी घी ले सकते हो, बटर ले सकते हो आप, और जो भी ऑयल लेना चाहो सरसों का छोड़ के वो ले सकते हो। सरसों के तेल से थोड़ी स्मेल थोड़ा अजीब सी आएगी, अगर आपका मन है सरसों का तो वो भी ले सकते हो। इसमें मैंने चपाती रखनी है, मोटा जो परत है वो नीचे रखना है और इस लेयर को ऊपर, इसको मैंने ये रखना है इस तरह से, और इसको धीरे धीरे से चला देना है। ये देखिए, ये देखिए, और गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो रहेगी,
नहीं तो नीचे का सब जल जाएगा पेस्ट। ये देखिए इसको इस तरह से बराबर इक्वल जो है हमको लेयर को कंप्लीट फिल करना है। ये देखिए चारों तरफ से बराबर होगा तभी टेस्टी लगेगी। ये देखिए आप बनाना बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद में जो कवर है ऊपर का उसको हमको ऊपर से ढकना है इसको, फिर धीरे से करछुल की सहायता से इसको पुश करना है। पुश करते हुए नीचे से नीचे की लेयर को ऊपर से पुश करना है, उसके बाद ऊपर से हमको ऑयल डालना है। ये देखिए थोड़ा सा ये नीचे का लेयर पक जाएगी, फिर धीरे से उसको पलट देंगे। आप खाओगे ना तो बिल्कुल उंगली चाटते रह जाओगे। आपको जो है नए पराठे जो बनाते हैं ना वो भी फेल हो जाएंगे आपको। आप देखना बहुत टेस्टी लगेगा। आप कोई भी सब्जी ले लो, गोभी की सब्जी ले लो, आप कैबेज की सब्जी ले लो, कोई भी ले लो, बस उसमें नया थोड़ा टेस्ट डाल देना, क्योंकि डिफरेंट होगा तो रात का जो खाया हुआ वो टेस्ट याद नहीं आएगा और आपको लगेगा बिल्कुल मैंने फ्रेश बनाया है। तो ये मेरा पराठा बन के रेडी हो गया है। अगर बच्चे इसमें बटर खाना चाहें तो बटर बेशक आप ऊपर से लगा दीजिए। इसके बाद मैंने इसमें आप स्लाइसेस काटना है तो स्लाइसेस काट के रख सकते हो, और अगर आपने ऐसे सर्व करना है तो आप ऐसे सर्व कर सकते हो। तो ये देखिए मेरा पराठा जो है, जो रात की रोटी है उसका पराठा और रात की ही सब्जी का मैंने कैसा नया लुक दिया है। तो ये आप जरूर आजमाइए अपने घर में, और जो भी खाना फेंकने से उसको बचाइए, और इस तरह से आप स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर सकते हो। और आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी का भी खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो है शेयर करेंगे तभी तो लोगों को ट्रिक पता चलेगी और खाना वेस्ट नहीं होगा। और इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ, लेकिन लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और बाय, गुड डे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने जो ये पराठा बनाया है तो ये मैंने बथुए के रायते से और सॉस है और सलाद दिया है। तो इसके साथ में हमने सर्व किया है। आप अगर दूसरी टाइप से सर्व करना चाहते हो तो बेशक आप दूसरी तरह से सर्व कर सकते हो, अचार के साथ में या भी किसी भी और चीज़ के साथ में। तो इसी के साथ में बाय, सी यू।